ज्ञानवापी परिसर में जो आकृति निकली थी, जिसको हिंदू पक्ष ने आदि विश्वेश्वर कहा, शिवलिंग कहा, और मुस्लिम पक्ष ने उसे फब्बारा बताया, उसकी कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग बनारस में अदालत, जिला अदालत में की गई। आज जिला अदालत ने अपने फैसले में उस मांग को अस्वीकार कर दिया। एक दृष्टि से देखें तो यहां यह भी गौर करने लायक बात है कि पत्थर की कार्बन डेटिंग मुमकिन नहीं होती, ऐसा भी वैज्ञानिक कहते हैं। कार्बन डेटिंग के लिए ही जरूरी है कि जिस चीज की कार्बन डेटिंग हो रही है, परीक्षण हो रहा है, उसमें कभी प्राण रहा हो, वो कभी जीवित चीज रही हो, और पत्थर के साथ वो चीज लागू नहीं होती। और दूसरा एक मसला ये था कि एक हिंदू पक्षकार ने भी ये कहा था कि कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, इससे शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। तो कुल जमा बात यह है कि जिला अदालत ने आज कार्बन डेटिंग की मांग को अस्वीकार कर दिया, रद्द कर दिया। लेकिन उस आकृति को, उस संरचना को कोई नुकसान पहुंचाए बिना, किसी की भावनाएं आहत किए बिना, कार्बन डेटिंग के अलावा भी और तमाम किस्म के वैज्ञानिक रास्ते हैं जिनसे किसी आकृति की संरचना, उसका कालखंड तय किया जा सकता है। क्या अब ज्ञानवापी में जो आकृति मिली, क्या उसके लिए अब उन वैज्ञानिक प्रयोगों का सहारा लिया जाएगा? हालांकि आज के फैसले के बाद साधु संत महंत सबने एक स्वर से कहा कि ज्ञानवापी परिसर में जो आकृति मिली है वो आदि विश्वेश्वर की है, और हिंदुओं की इस मान्यता पर इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मामला ये कि आज के जिला अदालत के निर्णय के बाद भी इस विवाद में, इस मसले में कोई अल्प विराम या विराम जैसी स्थिति नहीं बनती। अदालत की देहरी पर यह मामला अभी लंबा चलेगा। देखना होगा कि इस फैसले की व्याख्या दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, अपने अपने तरफ से कैसे करते हैं, और क्या इस फैसले के बाद अब ज्ञानवापी का मसला और तूल पकड़ेगा।